ओके, तो ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सीड ऑर्डर या सीड कंट्रोल ऑर्डर। नेशनल सीड एक्ट जो है 1966 में पास किया गया था, ये हमने देखा, उसके बारे में डिस्कस करी थी। 1968 में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान स्ट्रक्चर बन के आया था, और 1969 में जो है टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग एजेंसीज वगैरह जो है बन के आई थी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर जो चेंजेस आई थी वो जो है 1983 के ये सीड कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू जो है ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके थ्रू आया था। तो बेसिकली सीड कंट्रोल ऑर्डर में सीड एक्ट के अलावा किसके बारे में डिस्कशन है? डिस्कशन है जो सीड के मार्केट में जो बिजनेसमैन होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, उनके बारे में जो है स्पेसिफिकली ये बात करती है। तो सबसे पहले जो है सीड कंट्रोल ऑर्डर में किसकी जो है चर्चा है? इश्यू ऑफ लाइसेंस टू डीलर्स। जो भी सीड के फील्ड में स्टॉक करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले, बारटेंडिंग करने वाले, उनको जो है फॉर्मली गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उस के बारे में जो है डिस्कशन ज़्यादा चल रही है। तो सबसे पहले क्या है, इश्यू ऑफ लाइसेंस टू डीलर्स, है ना, जो डीलर्स सीड के जो है बिजनेस में काम करते हैं उनको लाइसेंस देना, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो या ट्रेडर हो, जिस भी फॉर्मेट में वो सीड को डील करता हो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑल पर्सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेलिंग, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग सीड्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड टू हिम, फॉर विच डीलर हैज टू मेक एन एप्लीकेशन एंड डुप्लीकेट इन फॉर्म मेड टुगेदर विद फी ऑफ ₹50 फॉर लाइसेंस टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट्स सच क्लास ऑफ डीलर्स इन सच एरियाज एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सबसे पहला क्या है, हर एक वो बिजनेसमैन व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन जो है बिजनेस डीलिंग्स रखता है सीड के मामले में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो है बिजनेस में डील करता है बेसिकली, एंड इनको जो है अपना बिजनेस डीलिंग्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशन एज गिवन इन द लाइसेंस फॉर्मेट, इनको पहले एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म जमा करनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जमा करने के बाद इनकी जांच होगी, जो एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट जमा करते हैं उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जांच होगी, इंस्पेक्शन होगा। जैसे आपने बोला सीड इंस्पेक्टर जो बना होता है वो इंस्पेक्शन करता है, सीड एनालिस्ट होगा वो एनालिसिस करना होगा तो एनालिसिस करेगा, उसके बाद जो इनको लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस देने के बाद एक लाइसेंस्ड डीलर जो है वो लाइसेंस की अग्रीमेंट जो होती है, जो कायदे कानून जो नियम बने होते हैं उसके तहत ही जो है उनको काम करना पड़ेगा। सबसे पहली जो है मुद्दा ये, तो लाइसेंस की एप्लीकेशन जमा करने में फॉर्म ये कुछ लाइसेंस फॉर्मेट होगा, और उसके साथ जो है जो फी जमा करनी पड़ेगी वो जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, सीड सीड कमिटी, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये सब जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, वो अगर इस पार्टी को जो है सूटेबल नहीं समझते हैं तो वो लाइसेंस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट फॉर लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट इन फॉर्म बी और रिफ्यूज इन प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर, द रिफ्यूजल टू ग्रांट लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाई क्लियर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन फॉर सच रिफ्यूजल। तो अगर एजेंसी चाहे तो रिजेक्ट भी करती है, लाइसेंस देने से मना भी कर सकती है, बट मना करते में उनको क्लियर कट रीजन साइट करना होगा। ठीक है, तो ये सीड कंट्रोल ऑर्डर में सबसे पहली बात किसकी है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो लाइसेंसिंग की बात हो रही है। रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस, अगर कोई पार्टी जो है अपने लाइसेंस को रेन्यू करना चाहता है उसका भी उसमें प्रावधान दिया गया है। सो बेसिकली मोटी बात जो है लाइसेंसिंग की बात हो रही है। रजिस्टर कर लेना कि हर कोई इंसान जो है जो इस बिजनेस में डील करता हो उनकी जानकारी जो है सरकार के पास अवेलेबल होनी चाहिए। ओके,
तो रिन्यूअल का जो है बहुत सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्म सी भरना होगा और जो बेसिक फीस जो है भरनी पड़ेगी, और ये तब होती है जब लाइसेंस की एक्सपायरी डेट होने के बाद, ठीक है। और अगर लाइसेंसिंग की बात कर ही रहे हैं तो लाइसेंसिंग देने वाली अथॉरिटी कौन हो, कौन जो है लाइसेंस इश्यू करेगा, है ना, उस पर आती है मुद्दा। तो अपॉइंटिंग ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके बारे में भी जो है ये ऑर्डर डिस्कस करती है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स नेसेसरी टू बी इंस्पेक्टर एंड डिफाइन द एरिया ऑफ सच इंस्पेक्टर जुरिस्डिक्शन थ्रू नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक इंस्पेक्टर की उपाधि में जो है किसी को नियुक्त कर सकती है, जिसका काम जो है ये लाइसेंसिंग के मामले में फंक्शन करना होगा, ठीक है। अब वो कौन सी एरिया में किस काम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो डिफाइन करने अभी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, और उस जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के वो इंस्पेक्टर काम करेगा, और इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन क्या ये सब चीज़ें जो है ऑफिशियली जो है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट निकालती, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी जो है ये डिसाइड करते हैं लाइसेंस कौन देगा, लाइसेंस देना है, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, लाइसेंस्ड पार्टीज होनी चाहिए जो बिजनेस में डील कर रहे हैं सीट के, और लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या होगा और लाइसेंस देने वाला कौन होगा वो भी जो है क्लियर है इस ऑर्डर के तहत। लाइसेंसिंग करने के लिए ना बीज या जो सप्लाई वो वैरायटी जिसकी बात कर रहे हैं जो बिजनेस में डील कर रहा है उस वैरायटी को जो है टेस्टिंग करना जरूरी है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। तो इस ऑर्डर में जो है वो टेस्टिंग करने का जो है समय भी क्लियरली डिफाइंड है, मतलब कोई बिजनेसमैन जो है लाइसेंस इश्यू कराना चाह रहा है तो उसकी यहाँ से सैंपल उठा लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि सैंपल उठा लिया गया और 6 महीने साल भर के लिए जो है उसका टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं निकाला, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट जो है क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। टाइम लिमिट फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल्स बाई सी टेस्टिंग लैब एंड सस्पेंशन कैंसिलेशन मे बी डन बाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू द होल्डर ऑफ लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल द लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल इन पर्टिकुलर टू कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर। तो एक तो टाइम लिमिट, कितने समय में जो है टेस्ट रिपोर्ट निकालनी चाहिए जिसके बेसिस में सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है या सर्टिफिकेशन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, ये टाइम लिमिट डिफाइन कर दिया ऑर्डर में, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्रावधान ये भी देगी अगर किसी कारणवश जो है लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इसको एक चांस देनी चाहिए, मौका देनी चाहिए जिसमें कि वो अपनी कमी पेशी को जो है समझा सके, जस्टिफाई कर सके, जिससे कि जरूरत पड़ने पे उसको लाइसेंसिंग का जो है दोबारा चांस दिया जा सके, ठीक है। तो ये भी जो है एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया। अगर मान लीजिए लाइसेंस दे दिया गया है किसी को, एक तो एप्लीकेशन दे के एप्लीकेशन के आधार पर जांच करके रिजेक्ट करना, ऑलरेडी किसी को लाइसेंस इश्यू हो रखा है, अब लाइसेंस्ड पार्टी ने जो है कुछ गड़बड़ करी, लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ है उसने गड़बड़ करी, तो एक प्रावधान ये भी है उसके लाइसेंस को जो है खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, या उसके लाइसेंस को जो है सस्पेंड कर दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन रखा गया है इस ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। एंड देन अपील तो है ही, तो अगर ऑर्डर सस्पेंड करने की बात होती है या कैंसिल करने की बात होती है तो जिसकी भी लाइसेंस जो है कैंसिल या सस्पेंड किया जा रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अपनी बात को रखने की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, देनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को जो है रिफ्यूज भी कर देती है लाइसेंस देने से तो उस पार्टी को जो है अपनी बात रखने का जो है एक मौका देना चाहिए, और ये जो है 60 दिन का जो है समय देते हैं, यानी कि 2 महीने का टाइम देते हैं, और 2 महीने के अंदर मतलब रिफ्यूजल रिजेक्शन लाइसेंस रिजेक्ट करने का जो है और कैंसिल करने के जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के मिलने के 60 दिन के अंदर जो है जिसकी भी लाइसेंस कैंसिल करी गई है या रिजेक्ट करी गई है उसको जो है अपनी बात को रखने की अपील करने की जो है ऑप्शन होती है, ये भी जो है इस ऑर्डर में क्लियरली बताया गया है।
अगर मान लीजिए लाइसेंस जो दिया जा रहा है उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो भी जो है प्रावधान रखी गई है। कुछ करेक्शंस करना चाहें, एड्रेस में करेक्शन करना चाहें, नाम में कुछ करेक्शन करना चाहें, जो भी है वो भी जो है प्रावधान रखी गई है। ये सीड ऑर्डर में जो है क्लियरली बताया गया है ना, सीड कंट्रोल ऑर्डर में ये बताया गया। तो जो एक तरीके से कंट्रोल ऑर्डर का मतलब ही ये है कि कौन विक्रेता है, कौन किस किस्म के बिजनेसमैन है और क्या बेच रहे हैं, किस किस्म के वैरायटी के सीड बेच रहे हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट के पास जो है मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस ऑर्डर इज ऑल अबाउट, है ना। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो न्यू सीड पॉलिसी 1988, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन सीड पॉलिसी 2002-2004, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।